एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम अपनी स्किन केयर कैसे करें मेकअप करने के पहले। यस, क्योंकि मुझे रिसेंटली बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताइए। सो यार डियर, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सिंपल से कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 3 से 4। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो यार लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप है हमारी स्किन को टोन करना। यस, आप किसी भी टोनर के साथ सबसे पहले आप अपनी स्किन की टोनिंग किया करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में एंड हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में। अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते हो तो आप नॉर्मली रोज़ वाटर भी एज अ टोनर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्या गाइस, जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है हमारे लिप्स के लिए। यस, आप कभी भी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल स्किप मत किया करो। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर लो, लेकिन लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना मत भूलना, जस्ट बिकॉज ऑफ हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे या फिर बेबी क्रीम यूज़ करेंगे, राइट? तो वो हमारे लिप्स पे लगेगी, जिसकी वजह से लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई पैची से होंगे, फटने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा डल डल सा कलर होने लगेगा। तो लिप बाम आप हमेशा अप्लाई करो, जिससे कि फेस आपके प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहें। और आप लिपस्टिक अप्लाई करो अपने फेस पे, लिक्विड वाली, या फिर आप लिप लाइनर अप्लाई करो, या तो फिर आप फाउंडेशन अप्लाई करो। आपके स्किन पे जो लिप्स की स्किन होगी उस पर कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। एंड अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारे फेस को मॉइस्चराइज करना। यस, आप किसी भी फेस क्रीम के साथ या फिर फेस मॉइस्चराइजर के साथ आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल स्किप मत किया करो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या फिर किसी भी टाइप वाली हो। हाँ, लेकिन एक पॉइंट इसमें ये आता है कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर को चूज़ करें, राइट? आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने मॉइस्चराइजर की तरफ जाएँ या फिर फेस क्रीम की तरफ जाएँ। एंड बिल्कुल भी स्किप इसलिए मत किया करो क्योंकि ये आपके फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, जिससे फाउंडेशन या क्रीम अप्लाई करने के बाद किसी भी टाइप की आपको हिचिंग नहीं होगी, खुजलाहट नहीं होगी। जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे फेस पे मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ करना। यस, मैं यहाँ पे एक इनसाइड का नॉर्मल सा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। नाउ एज यू कैन सी, बिल्कुल ही फिनिश हो गया था, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, मतलब ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल स्किप इसलिए मत किया करो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, लेकिन आपकी स्किन पे हमेशा आप देखना एक छोटे छोटे ओपन पोर्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे फाउंडेशन भर जाता है। और जब वो भर जाता है तो मेकअप की वजह से, मतलब जो भी हमारा पूरा मेकअप होगा, फाउंडेशन, पाउडर एंड जो भी हाइलाइटर वगैरह सारा मेकअप होगा, उसकी वजह से इस जगह पर पिम्पल्स आने लगेंगे क्योंकि यहाँ पर ओपन पोर्स होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।